दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस अभी प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रीसेट एक्सएमएल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक्सएमएल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप दोनों में से जिसका भी यूज करना चेक कर सकते हैं। अभी के लिए प्लस के में टाइप कीजिए 9:16 रेशो सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेजुलेशन 10 से रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कर लीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, प्लस के में क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइए, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते ले लीजिएगा। एक बार प्ले करके चेक कर लीजिएगा लैरिस का वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो जो एक्स्ट्रा उसे कट करते फिर स्टार्टिंग से ले ले। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे मीडियम जाएंगे, देन मीडियम जाने का जो भी फोटो पे स्टेटस बनाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं तब तक के लिए यहाँ से कोई सा भी एक तो फोटो ले लेता हूँ जो थोड़ा अच्छा सा हो देखने में चले, तब तक के लिए मैं इसी को ले लेता हूँ। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन ले कर लीजिएगा, आप मूवी ट्रांसफॉर्म में जूम पर जाकर इसे जूम करके एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट आप देना चाहे तो दे सकते, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और मेरे लिरिक्स में तो ऐसे शेडो का जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा सा शेडो देता हूँ। थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन ले करते ब्लेंडिंग में जाकर सॉरी कलर में जाकर यहाँ से ब्लैक वाले को नीचे की तरफ व्हाइट वाले को ऊपर की तरफ कर लेते, कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते जैसे मैंने कर लिया। और फिर यहाँ से सॉरी इसका जो व्हाइट वाला है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसे ट्रांसमिट कर लीजिए, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो लिरिक्स में यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सॉन्ग के लास्ट में चले जाइए, दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक कर लीजिएगा। अब हम लिरिक्स यहाँ पे टाइप करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर प्ले कीजिएगा, फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड मेरा इश्क, तो प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इश्क, अलाइन करेंगे रोबोट लो पे क्लिक करके ये वाला बेबी मास्टर करके एक फॉन्ट इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, तो मैं 48 यहाँ पे रख लेता हूँ। कलर पे जाकर इसका कलर यहाँ पे व्हाइट करके राइट क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से इसे मूव करके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में रख लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी हमें एडिट करना है। प्ले करके चेक कर लीजिए फर्स्ट लिरिक्स का वर्ड कहाँ तक है, अधूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेकंड वाला वर्ड हमारा थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाले को यहाँ पे कट कर देंगे और इसे थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि इफेक्ट देने में आसानी हो। और यहाँ पे कहीं एक और काम कीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एडिट में जाइएगा और एडिट में जाने के बाद यहाँ से इसे क्लियर करके एक इमोजी ले लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं हार्ट वाला ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर बेबी मास्टर जो फॉन्ट था उसकी जगह पर आईएस वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कम करना हो कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 64 में कर देता हूँ। देन इसका कलर जो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे और राइट क्लिक कर लेंगे, करने के बाद इसे मूव कीजिएगा नीचे की तरफ, यहां पे रख लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी का एक तो डुप्लीकेट या इस दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे कॉपी लेयर कर लेते हैं, देन जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे आ जाते हैं। एक ही बार ऐसा करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे आकर ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दीजिएगा, ताकि आसानी से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। अब इसके बराबर में ही रखिएगा और फर्स्ट वाला जो इमोजी था उसे ऊपर कर दीजिएगा इस तरह से, और टेक्स्ट जो है ये वाला टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को नीचे कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, इमोजी के बराबर में इस तरह से। तो अभी आप देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे कट कर देते हैं, मैंने एडजस्ट करने के लिए बस इसे रखा था इस तरह से, तो अब देख लीजिए कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें हम पहले एडिटिंग कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले में इसमें एडिट करना है, तो इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, मतलब लिरिक्स जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको मूवी ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आकर एक की लगाना है, लास्ट में जाकर एक की लगाना है और दरमियान में आकर एक की लगाना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले पे आ जाइएगा, आने के बाद इसे थोड़ा सा आगे कर लेते ताकि हमें दिखाई दे ये की जो लगा हुआ है इसे, और इस इमोजी मतलब टेक्स्ट को लेकर पूरा स्टार्टिंग में कर लीजिए कुछ इस तरह से रेड लाइन के साथ में, और फिर इसे उठाकर इधर कर लीजिएगा बीच में। यहाँ पे यह है लास्ट वाले पे जाइएगा और लास्ट वाले पे जाने के बाद इसे थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा इस तरह से, इमोजी के नीचे बीचों बीच तक लेकर आ जाइएगा, अच्छे से एडजस्ट होगा। अभी दोनों के बीच में एक और पे जाइएगा और इसे यहाँ पर कर दीजिएगा, और इसे यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी कर्व कर लीजिएगा, दूसरी साइड में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर्व करके इसे फ्लिप कर दीजिएगा। फिर यहाँ से बैक आइएगा, रोटेट वाले में चले जाइएगा, इसके बीच में आकर एक की लगा लीजिएगा, फिर इस साइड में जाकर एक की लगाइएगा, फिर लास्ट में जाकर एक की लगाइएगा। अब लास्ट वाला की जो लगाए हैं तो इसे माइनस में 10 कर लीजिएगा यहाँ पे, और फर्स्ट वाले पर जाइएगा और इसे प्लस में 10 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई कर्व नहीं देना है, तो यहाँ से अब जूम वाले पे क्लिक कर लीजिएगा और फर्स्ट वाले पे यहाँ पे जूम पे की लगा लीजिएगा और इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा या थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा 40 रख लेते हैं। फिर सेकेंड वाले पे जाइएगा और इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और फिर लास्ट वाले पे चले जाइएगा, यहाँ पे भी एक की लगा लीजिएगा और की लगाने के बाद इसे 0 कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। फर्स्ट वाले में की लगाए थे ना, हाँ फर्स्ट वाले में भी की लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये साइड में जो है उसमें कुछ नहीं करना है, सेकंड वाला जो है इस पर आकर कॉर्व में जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर करना है और इसे फ्लिप कर देना है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से एक वायब में यहाँ पर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो लिरिक्स कंप्लीट हो गया। अब इमोजी की बात करें तो इमोजी को सिलेक्ट करना है, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाना है, इसमें भी आपको फर्स्ट में आकर एक की लगा लेना है,
ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर एक की लगाना है, और इसके भी दरमियान में आ जाना है यहाँ पे और एक की लगा लेना है, ठीक है इस तरह से। अब आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में आ जाइएगा और फर्स्ट वाले पे इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पे भी ये दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा हम आगे आ जाते ताकि दिखाई दे, तो यहाँ पे इस तरह से इतना तक कर लीजिएगा, इतना तक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है, सही है, ठीक है। अब इस की को उठाकर पूरा स्टार्टिंग में कर लेंगे, और बीच वाले पे तो जहाँ पे भी एडजस्ट कीजिएगा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, और फिर लास्ट वाले पे जाइए, लास्ट वाले पे भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं ताकि दिखाई दे, और इसे हल्का सा ऊपर तक कर लीजिएगा कुछ इस तरह से जैसा देख सकते हैं, और इसे भी उठाकर लास्ट में कर दीजिएगा। अभी दोनों के बीच में एक और पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर्व कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले पे जाकर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर्व करके इसे फ्लिप कर दीजिएगा। तो अभी ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से चला जाएगा। अभी दोनों के बीच में आइएगा, सॉरी बीच में तो कर्व लग गया, रोटेट वाले पे आइएगा, स्टार्टिंग में अगर एक की लगाइएगा, बीच में जाकर एक की लगाइएगा, फिर लास्ट में जाकर एक की लगा लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले को माइनस में करना है और इसे फर्स्ट वाले मतलब लास्ट वाले को माइनस प्लस 10 कर लीजिएगा, बीच में जीरो रहेगा, और फर्स्ट पे आकर यहाँ पे माइनस में 10 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कर्व नहीं देना है आपको। अब इसके बाद जूम वाले पे आ जाना है, यहाँ पे की लगाना है, बीच में जाना है की लगाना है, और फिर लास्ट में जाकर एक की लगा लेना है, और यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आ जाइएगा। फर्स्ट वाले पे आने के बाद इसे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, और सेकेंड वाले पे जाकर इसे कम कर दीजिएगा, तो 160 तक इसे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 154 मैंने रख लिया, ठीक है, और फिर लास्ट वाले पे भी जाकर इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। अभी दोनों के बीच में एक और पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर कीजिएगा, दूसरी साइड में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर कर दीजिएगा, इसे फ्लिप कर दीजिएगा। फर्स्ट वाला जो लाइटिंग हमारा कंप्लीट हुआ जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। सो गाइस फर्स्ट वाला लाइटिंग तो कंप्लीट हो गया, मेरा कंठ जो है कुछ कुछ आ रहा था, काफ़ी टाइम से खांसी करने का मन कर रहा था, सो सॉरी। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में भी इफेक्ट देना है, तो सेकंड वाले का इफेक्ट थोड़ा नॉर्मल है, तो यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए, मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, और इसके दरमियान में एक की लगाइएगा, लास्ट में जाकर एक की लगाइएगा, और फर्स्ट में जाकर एक की लगाइए, ठीक है इस तरह से। मतलब तीन ठो की लगा लेना है अपनी अपनी जगह पर। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको देख लेना है, फर्स्ट वाला जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, जैसे यहाँ पर, तो इसे अब सॉरी यहाँ पर की लग गया, तो इसे आप जहाँ पे रखना चाहे फर्स्ट वाले को रख लीजिएगा, फिर सेकेंड वाला भी जहाँ पे वहीं पे रहेगा, और लास्ट वाले पे जाइएगा और इसे मूव करके इस साइड में रेड लाइन के साथ में इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब गाइस यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें, इसमें भी आपको पहले कर्व दे देना है, तो ये फर्स्ट वाले में आते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर्व कर देंगे, और फिर इस साइड में भी जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आया, देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं हल्का सा इस तरह से, तो ये हल्का सा नीचे की तरफ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। अब रोटेट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी एक की लगाना है, बीच में जाकर एक की लगाना है, और इस साइड में जाकर एक की लगाना है, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला की लगाइएगा और इसे माइनस में कर दीजिएगा 10 यहाँ पर, ठीक है, और फर्स्ट वाले को प्लस में यहाँ पर 10 कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर 10 रखना है। और जूम वाले पर आइएगा और यहाँ पर एक की लगाइएगा, लास्ट में जाकर एक की लगाना है, और बीच में भी एक की लगाना है, मतलब तीन ठो की यहाँ पे भी लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे लास्ट में की नहीं लगाना है, बीच में ही लगाना है, और बीच वाले को जितना है उतना रहने दीजिएगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, और फिर फर्स्ट वाले पर जाकर इसे जूम आउट कर देना है, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से लगेगा, जैसे ऊपर की तरफ निकल रहा है। अभी कर्व पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, तो अब ये कुछ इस तरह से आएगा जैसा देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला यहाँ नीचे गया और ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब इमोजी में जब हम इफेक्ट दे देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ से बैक आइएगा, इमोजी को सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, उसके बाद मूवी ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लीजिएगा, फिर लास्ट में जाकर एक की लगा दीजिएगा यहाँ पे, और इसके दरमियान में आकर एक की लगा लेना है, ठीक है। बीचों बीच आ जाइएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी इसका बीच होगा वहीं पर, और एक की लगा लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, सेकेंड वाले पर भी जहाँ है वहीं रहेगा, और लास्ट वाले पर आपको इसे मूव कर देना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे उतने अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इस की को हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, तो अब इसे आसानी से हम नीचे ले सकते हैं, और फिर इसे लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में भी आइएगा और यहाँ पे कॉल पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कॉल कर लीजिएगा, इस साइड में जाइएगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कॉल कर दीजिएगा, और इसे फ्लिप कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पर इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले
ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी आसानी से जा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, रोटेट वाला इफेक्ट देना है। तो रोटेट में आइएगा, इधर आकर एक की लगाइएगा, बीच में जाकर एक की लगाइएगा, फिर लास्ट में जाकर एक की लगाइएगा। सो गाइस यहाँ पे लास्ट में जो की लगाई इसे 10 कर लीजिएगा प्लस में यहाँ पे, और फिर जो है स्टार्टिंग में की लगाई इसे माइनस में 10 कर दीजिएगा। यहाँ पे 10 रखना है, बस 10 ही रखना है, और जूम वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। अब गाइस इसमें मेन इफेक्ट यही जूम का है, तो यहाँ पे एक की लगा लीजिएगा, लास्ट में जाकर एक की लगाइएगा, बीच में भी एक की लगाइएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है इसे भी थोड़ा सा जूम कर देना है, और बीच वाले में आइएगा तो इसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 146 रख दिया हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग वाले पे आकर इसे थोड़ा सा और जूम कर देंगे इस तरह से, तो अभी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर यहाँ से इस तरह से। अभी दोनों के बीच में एक कॉर्व पे जाकर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कॉर्व कर दीजिएगा, फिर इस साइड वाले में जाइए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कॉर्व कर दीजिएगा, और इसे फ्लिप कर दीजिएगा। हमारा फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब यहाँ पे अधूरा कहाँ तक है इसे आपको इसके लेंथ को देख लेना है। तो पहले इसे थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि सेकेंड लाइन से हमारा थोड़ा लंबा है। यहाँ से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेते हैं, इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले वर्ड के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले ये दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ये वाली ऑप्शन टैप करके कॉपी लेयर कर लेना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, आने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कीजिएगा, और प्ले करके देख लीजिएगा नेक्स्ट वाला वर्ड जो है आपका क्या है, दुनिया। तो सिर्फ यहाँ पे दुनिया, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे हटाएंगे जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइप करेंगे दुनिया, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इसके इमोजी की जगह पर आप दूसरा कोई इमोजी रख लीजिएगा, जैसे दुनिया है तो दुनिया वाला ही इमोजी यहाँ पे मिल जाता है, तो वो वाला ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, तो मैं तब तक के लिए कोई सा भी ले लेता हूँ गाइस, तब तक के लिए मैं यहाँ पे कौन सा ले लूँ, चलिए तब तक के लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, फिर राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा, और फिर इसका जो सेकेंड वाला, मतलब फर्स्ट तो ये वाला था, और सेकेंड वाला यहाँ से जो अब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ये सेकेंड वाले को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ये वाले ऑप्शन टैप करके कॉपी लेयर कीजिएगा, और जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर आइएगा, और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट का वर्ड जो होगा उसे टाइप करना है, तो प्ले करके देख लीजिएगा, अधूरी यहाँ तक आ रहा है। तो सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेंगे, इसे भी सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन में क्लिक करके आगे खींच लेंगे, कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जो टाइप करना है, तो अधूरी, तो सिंपली यहाँ पे दुनिया अधूरी, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, इमोजी भी चेंज कर लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, जो इमोजी है उसे हटाएंगे, दूसरा जो इमोजी आप यहाँ पे लेना चाहे उसे ले लीजिएगा, और राइट क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट वाले में भी यहाँ पे इमोजी हमने चेंज नहीं किया था, तो इस इमोजी को भी यहाँ पे चेंज कर देते, सिंपली यहाँ से हटाएंगे इसे, इमोजी दूसरा ले लेंगे। अब मैं एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरा लिरिक्स को कंप्लीट कीजिए, प्रीसेट एक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। अब ऊपर एरो पे क्लिक कीजिए, एक्सपर्ट वाले ऑप्शन टैप कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। गाइस उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई, उसके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।